आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। लोकसभा इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता के पेश नजर आज मालेगांव पुलिस की जानिब से 12 बजे के बाद शहर के शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसुम्बा रोड बस स्टेशन व दीगर इलाकों को पुलिस ने बंद करवा दिया। हालांकि आचार संहिता का निफाज होने के बाद पुलिस का ये कदम कानूनी तौर पर भी दुरुस्त है, लेकिन मालेगांव मुस्लिम अक्सरियती शहर होने और साथ ही माह रमजान की तैयारियों के सबब शहर में ज्यादातर कारोबार वाले रात के वक्त होते हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मस्कुरा इलाकों की आवाम में गुस्सा देखने को मिला, जिसके बाद मालेगांव कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग ने यहां आकर हालात का जायजा लिया और DYSP व SP से बात करके दरख्वास्त की कि मालेगांव शहर में रमजान के सबब दिन और रात दोनों औकात में शहरियान अपने काम काज नॉर्मली तौर पर अंजाम देती हैं, इसलिए शहर को दोबारा से चालू करवाया जाए और इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि आचार संहिता के किसी भी जाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। अब देखना यह है कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या रमजान में छूट दी जाएगी या आचार संहिता के सबब रात 11 बजे के बाद शहर की दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। इस ताल्लुक से हमने कांग्रेस सदर एजाज बेग से बात की है, उन्होंने इस जिम्न में क्या कहा है, देखिए आगे वीडियो में। मुझे कुछ लोगों के फोन आए और उन्होंने कहा कि स्ट्रीट स्टैंड की तरफ से बंद कराया जा रहा, तो मैं फौरन स्ट्रीट स्टैंड की बात पूछा। लोगों का मामला जब मैंने सुना तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये रमजान का महीना है और ऐसे कभी नहीं होता। एक आचार संहिता लगी दो महीने बाद, यहाँ से इलेक्शन है 20 मई का टाइम है, मालेगांव शहर का इलेक्शन था। आचार संहिता अगर 4 महीने रहेंगे तो 4 महीने आचार संहिता का पालन करेंगे, जरूरी नहीं। हमारा त्यौहार है और हम लोग 1 बजे रात को भी यहाँ पर तरावी जुटती है 12 बजे, ये तो बिल्कुल बोलेंगे कि तुम तरावी में मत पढ़ो। आज 5 जिले के लोग मालेगांव शहर के अंदर खरीदी करने के वास्ते आते। मैं अभी जाके DYSP संधु साहब से मिल के आया और उनको कहा क्या साहब ये बराबर बात नहीं है। वहां से मैंने एडिशनल SP को भी फोन लगा के बोला साहब ये सब चलेंगे बोले नहीं, और ये शहर के अंदर हम मानेंगे ही नहीं। दीवार बार है यहाँ पर, सब गरीब लोग बसते हमारे शहर के अंदर, जो दिन भर मजदूरी करते, रात में अपने बच्चे लोगों का पेट भरते, तो दीवार बार का लाना ले जाना रात भी होता मालेगांव के अंदर। ये तरीके की बात नहीं चलेगी। कल वापस मैं खुद एडिशनल SP साहब के पास कुछ लोगों को लेके जाके और उनसे कल मैं बात करूंगा। लेकिन बेग साहब ये तो कानून है आचार संहिता का पालन करना, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा सही बात है, कानून कानून होता है, एक बात सही है ना, पर ये शहर की परंपरा है ना। आज मालेगांव शहर के अंदर लोग रात भर यानी इबादत करते, नमाज पढ़ते, खरीदी करते, कोई आज का नया मसला नहीं है ना। ये तो बंद करने का ये कोई बात थोड़ी हो गई, पालन करते ना कानून, या रात को 11 बजे बंद करने का कानून है, हम नहीं जुटते। बाकी कहीं त्यौहार बार का कोई मतलब मसाइल रहते कि नहीं है, ये सब काम कानून से चलता। क्या मालेगांव शहर की पुलिस कानून से चलती क्या? ये सब बराबर बात नहीं है। कल मैं एडिशनल SP और सीनियर SP से भी कल बात करूंगा, और ये जो हो रहा है ये शहर के अंदर अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से कोई भी बात बिगड़े तो इनकी जिम्मेदारी पूरी डिपार्टमेंट की रही।